लाइट कैमरा रोलिंग एक्शन लालच और उसके परिणाम के बीच घूमती हुई यह एक ऐसी फिल्म है जिसका अंजाम इतना भयानक होता है कि देखकर रूह कांप जाती है। तुम्बाड़ इंडियन फिल्म हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म की डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और स्टोरी लाइन सब एक से बढ़कर एक है। ऐसा हमें पहले कभी देखने को नहीं मिला था। मेकअप। फिल्म में दिखाई गई हर एक चीज परफेक्ट स्टोरी बोर्ड और स्केच का नतीजा है, क्योंकि यह फिल्म एक दिन में नहीं बनी है, इसके पीछे सालों की मेहनत है। इस फिल्म में हस्तर का रोल हर्ष के ने किया है। वह दिखने में वैसे भी दुबले पतले हैं, बट जब उनके ऊपर प्रोस्थेटिक मेकअप हुआ तो मानो वह किसी दूसरी दुनिया के प्राणी दिखने लगे थे। आप यहां देख सकते हैं कि हस्तर को हार्नेस की मदद से वॉल पर चढ़ते और चलते हुए दिखाया गया था। बाकी जो मैजिक यहां हमें देखने को मिला था वह असल में VFX का कमाल था। प्रोस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल पहले भी कई फिल्मों में हमें देखने को मिला है, बट तुम्बाड़ फिल्म की बात ही अलग है। इसमें लगभग सभी मेन कैरेक्टर के ऊपर हमें प्रोस्थेटिक मेकअप देखने को मिलता है। इस फिल्म के लिए सेरिना मेंडोंका और श्रीकांत देसाई ने मेकअप वर्क किया था, जबकि प्रोस्थेटिक और स्पेशल इफेक्ट मेकअप को डर्टी हैंड और स्टूडियो हर्ष की टीम ने किया था। पहले विनायक राव के बेटे पांडुरंग के किरदार के लिए किसी एक बच्चे को कास्ट किया गया था, बट जब इस फिल्म को रिशूट किया गया तो उन्होंने फिल्म छोड़ दी। उसके बाद फिल्म के लिए मोहम्मद समद को अप्रोच किया गया था। 2012 में आई गट्टू फिल्म में वह बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। उनका काम फिल्म के डायरेक्टर्स को काफी पसंद आया था। आपको बता दें कि मोहम्मद समद फिल्म में विनायक राय के बेटे का रोल तो करते ही थे, इसके अलावा उन्होंने इस फिल्म में दादी का भी रोल किया है। इसके लिए लगभग 6 से 7 घंटे एक चेयर में बैठकर उन्हें चुपचाप प्रोस्थेटिक मेकअप करवाना पड़ता था। यह इतना हैवी मेकअप होता था कि इससे चलने फिरने में परेशानी होती थी। यहाँ तक कि इस दौरान केवल पानी पीने के लिए दिया जाता था, वह भी कम मात्रा में। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट था सांस लेना, क्योंकि नाक बंद होने की वजह से उसका मुंह हमेशा खुला रहता था और उसे मुंह से सांस लेनी पड़ती थी। फिल्म को बनने में 6 साल लग गए। इस दौरान उस चाइल्ड आर्टिस्ट की बॉडी और फेस में काफी सारे बदलाव हुए। यही वह वजह है कि फिल्म में यह बदलाव साफ नजर आता है। इस फिल्म में ढूंढीराज प्रभाकर ने विनायक के बचपन का रोल किया है और वह भी मोहम्मद समद की तरह काफी छोटे थे। अब यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वह उनके वॉइस का था, क्योंकि फेस और बॉडी के साथ साथ उनकी आवाज भी बदली थी। तो इसके लिए फिल्म के डायरेक्टर ने मल्हार प्रवीण को हायर किया, जिन्होंने इन दोनों की आवाज को स्टूडियो के अंदर डब किया था। बट फिल्म में आपको यह देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि इन दोनों कैरेक्टर को किसी एक आदमी की ही वॉइस है। सेट एंड शूटिंग लोकेशंस। फिल्म का शूटिंग लोकेशन ढूंढना मेकर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि फिल्म की जो स्टोरी है वह पुराने जमाने के टाइमलाइन पर चलती है। इसके लिए ठीक वैसा ही लोकेशन भी चाहिए था। फिल्म में दिखाए जाने वाला यह सरकार बाड़ा को महाराष्ट्र के सरदार पुरंदरे वाडा में शूट किया गया था। ये एक रियल किला है जो कि काफी रहस्यमयी है वास्तव में भी। यहाँ के बारे में कई सारी हॉरर स्टोरी भी आपको इंटरनेट में सुनने को मिल जाएगी। ये किला एक्चुअल में शाश्वत में है, जो पुणे से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बाड़ा के गेट को देखकर आप पहचान सकते हैं कि यह सीन फिल्म में किस जगह दिखाई गई थी। इसके अंदर भी कई सारे सीन शूट किए गए थे। फिल्म में देवी का कोख इस किले के अंदर दिखाया गया है, लेकिन वह वास्तव में यहाँ नहीं था। इसके लिए वह मुंबई के फिल्म सिटी में एक क्लोज स्टूडियो के अंदर कुछ इस तरह का सेट बनाए थे। यह सेट लगभग 7000 स्क्वायर फीट में बना था। इस सेट को एक स्पेशल फोम यानी PU फोम से बनाया गया था, जिसकी वजह से कुछ इस तरह के टेक्सचर हमें कोक के अंदर देखने को मिलती है। इसमें रेड कलर को भी इस्तेमाल किया गया था। PU फॉर्म्स के परत में कुछ इस तरीके से पाइपों को बिछाया गया था। यहाँ पतले और मोटे पाइपों का जाल सा बिछाया गया था, जिसमें वाटर पंपिंग मशीन के थ्रू उसमें रेड कलर के केमिकल्स और वाटर को इन पाइपों के जरिए छोड़ा जाता था, जिससे यह देखने में ब्रीदिंग वेन्स की तरह नजर आती थी। एक्टर्स से लेकर डायरेक्टर्स तक को फिल्म को बेटर बनाने का प्रेशर था, बट उससे भी ज्यादा फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर नितिन जिहानी के ऊपर था। दरअसल उन्हें इस सेट को 2 बार तोड़ना पड़ा था।
आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि नितिन जिहानी एक ओवर टैलेंटेड प्रोडक्शन डिजाइनर हैं। अभी हाल ही में आई कल की फिल्म की अविश्वसनीय सेट को भी उनकी टीम ने ही डिजाइन किया था। अब आप सोच ही सकते हो कि इस फिल्म की लेवल क्या है। देवी माँ की कोख वाली सीन की शूटिंग 20 दिन में पूरी हो गई थी। फिल्म में दिखाए जाने वाली ये गाड़ी एक मॉडिफाइड बस है। इसे पुराने जमाने में चलने वाली बस के बेसिस पर बनाया गया था। बस का मॉडिफिकेशन होते हुए देख सकते हैं, जिसे लोकेशन पर ही मॉडिफाइड किया गया था। इसमें इंजन तो लगे थे, बट इसका स्ट्रक्चर लकड़ी और कार्डबोर्ड से बना था। वहीं कुछ जगहों पर प्लाईवुड भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तुम्बाड़ में एक पहाड़ के ऊपर विनायक राव का घर था, बट असल में इस घर को महाराष्ट्र के सतारा जिले के साशावाद गांव में बनाया गया था। एक्चुअली ये लोकेशन इसलिए लिया गया था ताकि फिल्म की स्टोरी के साथ साथ सीन मैच हो और घर के आसपास कोई भी आधुनिक चीजें नजर ना आए। यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं था। आने जाने का रास्ता एकदम से कच्चा और कीचड़ से भरा था, क्योंकि यहाँ पर अक्सर बारिश होती है। इस घर को कार्डबोर्ड के स्ट्रक्चर से बनाया गया था। वहीं घर का बाहरी दीवार पत्थर और काली मिट्टी से बना था, जबकि घर के छत पर घास फूस लगाए गए थे, जिससे यह काफी पुराना दिखे। यहाँ दादी वाले सीन को शूट करने के लिए एक्टर को जमीन में एक स्ट्रक्चर के माध्यम से घुसाया गया था। केवल उसका सर ही बाहर निकला था। ये उसी सीक्वेंस का सीन है। यहाँ रियल तनों और डालियों से इस सेट को बनाया गया था। इसी सीन में दादी के हार्ट को झाड़ी पर धड़कते हुए दिखाया गया था। जब उसका हार्ट यहाँ कुछ इस तरह से धड़कता है, इस सीन की शूट के लिए आर्टिफिशियल हार्ट को लोकेशन पर लाया गया था। बाहर बैठकर कुछ लोग इस पंपिंग मशीन को चला रहे थे, जिससे कि यह धड़कता हुआ दिखे। इसके बाद यहाँ रियल में आग लगा दी गई थी। यहाँ पर विनायक का बेटा खजाना ढूंढने जाने से पहले कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करता है, जिसकी प्रैक्टिस करते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म को असल में भी महाराष्ट्र के तुम्बाड़ गांव में शूट किया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में फिल्म की बहुत सारी सीक्वेंस की शूटिंग हुई थी। ऐसी गुफाओं में भी फिल्म की शूटिंग हुई थी, जहां पर सालों से कोई नहीं गया था। फिजिकल सेट तो बनाए ही गए थे, जबकि 90% फिल्म रियल जगहों पर शूट की गई थी। मोस्ट ऑफ द टाइम फिल्म में हमें बारिश दिखती है। अब बारिश का सीन दिखाना कोई बड़ी बात नहीं थी, बट फिल्म मेकर्स इसे रियल बारिश में शूट करना चाहते थे, जिससे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इन 6 सालों की शूटिंग में बारिश वाले सीक्वेंस को मानसून के टाइम पर शेड्यूल किया जाता था। इसे मानसून के लिए बचाकर रखा जाता था, ताकि बारिश में उस सीक्वेंस की शूटिंग की जाए। इस दौरान 4 मानसून में फिल्म के बारिश वाले पार्ट की शूटिंग हुई थी। मानसून में पूरी टीम आसमान की तरफ देखकर बारिश होने का अंदाजा लगाती थी, जिससे कि वह इतनी देर में अपना सेट तैयार कर ले। इस तरह से वह घंटों खड़े होकर बारिश होने का इंतजार करती थी। हालांकि फिल्म में कई जगह पर आर्टिफिशियल रेन भी यूज हुए थे। कुछ कॉम्प्लिकेटेड सीन को आर्टिफिशियल बारिश में शूट किया गया। यहाँ जब विनायक 15 साल बाद तुम्बाड़ लौटता है। वैसे तो फिल्म की शूटिंग साल 2015 में ही कंप्लीट हो गई थी, बट इसके पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था, जिसकी वजह थी हाई एंड एडिटिंग। एक्चुअल कई बार तो एडिटिंग के टाइम पर भी सीक्वेंस पसंद ना आने पर उसकी फिर से शूटिंग की जाती थी। यह उस समय का सीन है जब विनायक राव अपने बेटे को लेकर पहली बार देवी के कोख में जाता है। यहाँ अंदर उसके बेटे की गलती से वहाँ हस्तर उन पर अटैक करता है, फिर विनायक कुछ इस तरीके से अपने बेटे को गोले में खींच लेता है। यहाँ क्रू मेंबर्स गैस और डस्ट उनके ऊपर फेंकता है, जिससे फिल्म में हमें यह वाला इफेक्ट देखने को मिला था। फिल्म देखते टाइम यहाँ अंदर का सीन कितना डरावना लगता है, बट सेट के अंदर बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। यहाँ बचपन में जब विनायक दादी को खिलाने की कोशिश करता है, बट वह इतनी भयानक थी कि वह विनायक को ही बांधकर उसे खाने की कोशिश करने लगती है। यह वाला सीन शूट होते हुए एकदम से रियल जैसी फील होती है। बिकॉज यह इसीलिए क्योंकि फिल्म का मैक्सिमम चीज नेचुरल है। VFX इस फिल्म के लिए राइनस्टोन VFX, फिल्मगेट फिल्म्स और रेड चिलीज कंपनी ने काम किया है। VFX और CGI इतने लाजवाब है कि लगता है कोई 100 से 200 करोड़ वाली फिल्म हम देख रहे हैं। खैर, जब इस फिल्म का बजट ही केवल 5 करोड़ रुपए है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि VFX में कितने ही खर्च हुए होंगे। फिल्म मेकिंग। तुम्बाड़ जैसी फिल्में बनाना मेकर्स के लिए इतना भी आसान नहीं था। इस फिल्म को बनाने का प्लान 20 साल पहले हो गया था।
असल में फिल्म के डायरेक्टर राही अनिल को इस फिल्म की स्टोरी का आइडिया 20 साल पहले मिल गया था। साल 1993 की बात है जब उनके एक दोस्त महाराष्ट्र के नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उन्हें एक डरावनी स्टोरी सुनाते हैं जिसको सुनकर वह काफ़ी डर गए थे। उनकी रातों की नींद गायब हो गई थी। दरअसल उनके दोस्त ने वह स्टोरी एक मराठी लेखक नारायण धाड़प की बुक की सुनाई थी, बट उनके दोस्त का स्टोरी टेलिंग का तरीका इतना लाजवाब था कि डायरेक्टर के दिमाग में उस कहानी का हर एक कैरेक्टर छप गया था। राही अनिल के दिमाग में यह स्टोरी 4 साल तक दौड़ती रही। उसके बाद उन्होंने साल 1997 में उसी कहानी से मिलती जुलती खुद की एक बुक लिखी, यानी कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट उसी टाइम लिखी जा चुकी थी। उन्होंने जो बुक लिखा था उसका नाम तुम्बाड़ था। साल 2009 और 2010 का वह समय था जब एक बार फिर डायरेक्टर राही अनिल के दिमाग में तुम्बाड़ की स्टोरी नॉक करने लगी थी। उन्होंने 2009 से 2010 के बीच 750 पेज का एक स्टोरी बोर्ड बना डाला था। इस स्टोरी बोर्ड में फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट थी। उन्होंने स्केचेस के माध्यम से सीन को विजुलाइज भी कर दिया था कि उनके फिल्म में महल, गांव, पहाड़ और क्लाइमेट कैसा रहेगा। आप यहां स्क्रीन पर उस स्टोरी बोर्ड की तस्वीर देख सकते हैं। स्टोरी बोर्ड बन जाने के बाद डायरेक्टर अनिल राही प्रोड्यूसर्स के चक्कर काटने लगे थे। वह लगभग सभी प्रोडक्शन हाउस गए, जिनमें से एक अनुराग कश्यप की प्रोडक्शन कंपनी भी थी। उन्हें फिल्म की स्टोरी तो पसंद आई थी, बट वह इस तरह के अलग कॉन्सेप्ट वाली हॉरर फिल्म के ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहते थे। जबकि वहीं डायरेक्टर के पहले च्वाइस थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्योंकि वह विनायक के रोल में उन्हें ही सबसे परफेक्ट मानते थे। बट अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्शन हाउस ना मिलने के कारण नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ उनका काम नहीं बन पाया था। इसके बाद उनकी मुलाकात सोहम शाह से हुई, जिन्हें फिल्म की कहानी काफ़ी पसंद आई थी और उन्होंने इस फिल्म में पैसा लगाने के साथ साथ इसमें विनायक राव का रोल भी किया। उनकी पिछली फिल्म शिप ऑफ थीसिस को भी उन्होंने खुद से ही प्रोड्यूस किया था और वह खुद फिल्म के एक्टर भी थे। खैर, जब यह बात उस फिल्म के डायरेक्टर आनंद गांधी को पता चली तो वह बिना समय गंवाए तुम्बाड़ फिल्म से जुड़ने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद एग्रीमेंट पूरा हुआ और फिर राही अनिल और आनंद गांधी ने मिलकर इस फिल्म को निर्देशन दिया। लेकिन दोस्तों, इतना सब हो जाने के बाद भी फिल्म मेकिंग का रास्ता आसान नहीं था। इसके बाद उनकी प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। साल 2012 में तुम्बाड़ फिल्म के ऑलमोस्ट सारे सीन शूट कर लिए गए थे, जिसमें बहुत ही कम फिजिकल सेट और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज यूज हुए थे। कम कंप्यूटर ग्राफिक्स की वजह से फिल्म कमजोर दिख रही थी। मेकर की टीम ने इसे देखा तो वह फिल्म उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आई थी। इसके बाद फिल्म के डायरेक्टर राही अनिल और आनंद गांधी ने डिसाइड किया कि वह फिर से इस फिल्म की शूटिंग करेंगे। सबसे पहले इस फिल्म में तुम्बाड़ गांव में 3 स्टोरी एक ही टाइम पर चलते हुए दिखाई जाने वाली थी, बट बाद में फिल्म मेकर ने विनायक और उनकी फैमिली पर ही इस फिल्म को फोकस किया। वहीं सेकेंड टाइम की शूटिंग में हस्तर का कैरेक्टर भी बिल्ट किया गया था, जिससे कि सब नेचुरल लगे और सबको उनके इतिहास के बारे में पता चल सके। पहले हस्तर को ब्लैक कलर का दिखाया गया था, लेकिन बाद में इसको रेड कलर का बनाया गया, जिससे वह और भी ज्यादा इंटेंस और फुर्तीला नजर आता था। वहीं दादी माँ को पहले इस फिल्म में 500 किलोग्राम के आसपास का दिखाए जाने वाले थे, बट बाद में उनकी वजन को भी काफी कम किया गया। इस तरह एक नई स्क्रिप्ट बनाई गई जिसकी कहानी और भी ज्यादा दमदार थी। खैर, यह फिल्म अगर 2 डायरेक्टर्स ने मिलकर नहीं बनाई होती तो शायद इतनी क्रिएटिविटी हमें देखने को भी नहीं मिलती। हालांकि फिल्म बनते टाइम भी बहुत सारे सीन्स को रीशूट किया जाता था, जिससे कि फिल्म को बेहतर बनाया जा सके। वहीं विनायक राव के कोठे वाले सीन को भी नेक्स्ट शूटिंग में ही ऐड किया गया था। एक कमाल की फिल्म में जब हमें एक डरावनी और सस्पेंस वाली बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलती है तो मानो ऐसा लगता है कि यह सब हमारे आसपास ही घटित हो रही है। आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए डेनमार्क के म्यूजिशियन जेस्पर काइट से म्यूजिक कंपोज कराया गया था, जिन्होंने अलग अलग ट्यून में लगभग 55 मिनट की एक सस्पेंस म्यूजिक इस फिल्म के लिए बनाकर दी, जो कि कुछ देर में हमें बैकग्राउंड में चलते हुए सुनाई देती है। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर पंकज कुमार को भी आप यहां देख सकते हैं। उन्हें साल 2019 में इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। वैसे तो इस फिल्म की लंबाई 200 मिनट की थी, बट फाइनल एडिटिंग के टाइम इसे 104 मिनट का रखा गया, जिससे कि फिल्म देखते समय पब्लिक बोर ना हो। खैर, फिल्म के बहुत सारे सीन ऐसे भी हैं जिन्हें हटा दिया गया, बट बाद में लोगों ने यह क्लेम किया कि उन्हें ये सीन्स नहीं हटाने थे। खैर, बहुत सारे और भी डिलीटेड सीन हैं जिसे आप YouTube पर देख सकते हो।